खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो बेशरम इंसान। मैं तुमसे जो पूछूं सच जवाब चाहिए। नास को किडनैप किया था तुमने? हाँ, किडनैप किया था तुमने उसे। जवाब दो। मैं बस बस छोड़ो छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो तुम? ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ बर्क, तुम ठीक तो हो ना? क्या कर रही हो तुम यहाँ? भाई है ये मेरा। तो तुमने भेजा था इसे नास के पीछे? क्या बकवास कर रहे हो ये शावेज? खामोश रहो तुम। वाह क्या बात है, देखो जरा एक और सरगुना गया। तुम्हें तुम्हें भाई प्लीज रुक जाए। तुम, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? तुम तो बेकरी पर भी आए थे, कर क्या रहे हो तुम ये सब? एक मिनट, बेकरी क्या करने आया था ये? क्या काम था इसे? हाँ, ये हर रोज आता था पेस्ट्रीज लेने के लिए, कह रहा था कि कोई फिल्म बना रहा है। मेरे घर की औरतों गिर गिर क्या कर रहे थे घटिया इंसान? बोलो मुझे, बताओ क्या मकसद था तुम्हारा? सब जानना है मुझे, अभी जवाब दो मुझे। जाने दो इसे, तुम कुछ भी नहीं जानते हो शावेज। ये भी कातिल है, देख रही हो ना? कैसा कातिल? ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे बाबा ने हमारे बाबा का कत्ल किया था, अब तुम इसे मारोगे क्या? दिले ना मुझे ले चल किसी ठिकाने पर, उसी में गुम रहूं लेकिन उसे पता न चले, उसे पता न चले। कमाल अंकल को, कमाल बिलाल। भाई बस कर दे प्लीज। तुम ये जानती थी फिर भी छुपाया तुमने मुझसे। शावेज, तुम्हारे बाबा नहीं चाहते थे कि तुम्हें पता चले। ठीक है शावेज। नास, मेरा यकीन करो, वो लड़की मेरी कुछ नहीं लगती। शावेज कहाँ जा रहे हो तुम? रुको शावेज। अदालत के पास आएगा। मरियम, नास, लिफ्ट क्यों नहीं आ रही? कहाँ जा रहा है वो? बाबा के पास जा रहे शायद, लेकिन वो तो फरार है, कहाँ ढूंढेगा उन्हें? भाई चाहे तो ढूंढ सकते हैं बाबा को, अब तो बर्फ भी है। मरियम हम क्या करेंगे? हम कहाँ जा रहे हैं? नौरीन के पास। क्या कर रही हो? क्या हो गया? क्या काम है? रहने की इजाजत किसने दी तुम्हें? अजीब लड़की है। तू क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या? मुझे माफ कर।
वकील साहब, क्या शावेद साहब वाकई कंपनी का होल्ड ले लेंगे? जो भी होगा सबको पता चल जाएगा। शावेद साहब, मुझे अभी बाबा के पास लेकर चलो। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। अगर तुम्हें पता नहीं होता तो रिजाब तक पकड़ा जा चुका होता। कोई तो है जो बाबा और रिजा तक पूरी खबरें पहुंचा रहा है। कहां है बाबा, बताइए मुझे। वो जमाल के पुराने वाले यार्ड में रह रहे हैं, रुमेली में। गए और बर्ग भी उनके पीछे गया, हम उनको पकड़ नहीं सके। आखिर हुआ क्या है, आराम से बताओ। नाज मेरे पास आई थी जो कुछ भी हुआ मुझे बताने के लिए। शावेज ने सब कुछ सुन लिया और आज उसे जरताल साहब की हकीकत का भी पता चल गया। शावेज ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि उसके बाप को कोई कातिल कहे? काश कि आपने बताया होता उसे, लेकिन बर्ग ने बताया। क्या यार नाज, मैंने तुमने कहा था ना, कहा था कि सब बता दो। नौरीन कुछ करो, बाबा का पुलिस को बता देंगे। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ अभी। नौरीन मैडम, एक बात करनी थी। यहाँ पर कोई भी अजनबी नहीं है। शावेद साहब यरदाल साहब के पास जा रहे। जानती हूँ, किसी को उसके पीछे भेजो, कहीं वो यरदाल का पता ना बता दे पुलिस को। उम्मीद है ऐसा नहीं करेंगे वो। चलो ठीक है, वेलकम टू माय फैमिली।
मॉम, शाविस चला गया। जैस्मिन ने बताया मुझे कि आपने मुझे यहां कैद करने के लिए कहा उसे, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया क्योंकि आप मेरी मॉम हैं। शुक्र है कि आप आ गई। खामोश हो जाओ, चलो यहां से। लो अब ये भी आ गया। बाबा दरवाजा खोले, मैं जानता हूं आप अंदर ही हैं। बाबा बाबा खुशामदीद, उम्मीद है कोई तुम्हारा पीछा करते हुए यहां तक नहीं आया होगा। वो आपका मसला है, हमें इस तरह खतरे में डाल के खुद यहां छुपे हुए आप। कमाल बिलाल को आपने मारा था, हाँ? अपनी जायदाद बचाने के लिए कत्ल कर दिया आपने उसका। अफसोस, उस कमाल बिलाल के बेटे ने नास को किडनैप किया, जानते थे आप? जरूर जानते थे। यही नहीं, वो मरियम के आसपास भी घूमता रहा, यह सब जानने के बावजूद आप खामोश रहे बाबा, हाँ? आपके सब कुछ जाने के बावजूद भी वो लड़का यहाँ कैसे है? तुम मरियम की मोहब्बत में इतना डूब चुके हो कि तुम्हें कोई दिखाई कहाँ देता है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस लड़के को किस तरह बर्बाद किया जा सकता है, लेकिन क्या किया जाए, नाज जो है उससे मोहब्बत करने लगी है। जानता हूँ मैं। तुम फिर भी पूछ रहे हो मुझसे कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं मना पाया था तुम्हें? तुम कोशिश करके देख लो, कर लो कोशिश अपनी, फिर देखो क्या करती है। कुछ सबक सीखो मुझसे लड़के। आपकी बातों पे मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है, हाँ? आप यहाँ इत्मीनान से कैसे बैठे आखिर? क्या हासिल होगा यूं शोर करके, चिल्ला कर? क्या होगा अगर मैंने गुस्सा कर भी लिया तो? आखिर ऐसा करने से क्या हो जाएगा? एक अकेले कमरे में बूढ़ा इंसान बैठकर आखिर कर भी क्या सकता है सिवाय पागल होने के? अब तुम्हें भी हौसला रखना पड़ेगा। क्या पता आपकी वजह से और क्या कुछ होगा मेरे साथ। मुझे सच जाना आपकी ये बातें नहीं सुननी बाबा। चलो अब जाकर खामोशी से वहां बैठ जाओ ताकि हम दोनों आपस में बात कर सकें। दो मर्द आमने सामने। जाहिल पागल बावला, इससे बचाए कोई। You are making me sick। तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, तुम्हारे अंकल भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएंगे। बताओ तकलीफ हो रही है? हेलो सर, मैं महविश बिलाल हूँ, मुझे यरदाल सरगुन के बारे में कुछ बताना है, मुझे ऑफिसर से बात करनी है, प्लीज बात करवा दीजिए। बंद करो फोन को, मैंने कहा बंद करो। महविश नहीं, जल्दी करो, चलो तुम यहां से हिलना मत वरना तुम्हारा भाई जान से जाएगा। मैं क्यों यहां आया, क्यों भाग आया मैं वहां से इन हालात में तुम्हें अकेला छोड़कर? कत्ल की वजह से नहीं, मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों ही ये बात नहीं जानते। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पुलिस के डर से या अदालत से भागकर इस जगह आया हूं? जरा देखो तो इस जगह को, तुम्हें जेल से कम लगती है? फिर क्यों बाबा, क्यों? तुम्हारे लिए बेटा, तुम्हें बचाने के लिए मेरी जान। तुम कुछ नहीं जानते हो, दुश्मन दरवाजा खटखटा रहा है।
जरदाल सर, तुम दरवाजा खोलो, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब रिजा से क्या मसला है? लंबी कहानी है, दरवाजा खोलो। यरदाल सर, ये शावेद साहब का पीछा करते हुए यहां आया है, पुलिस को बुला रहा था ये। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। यहां तुम्हें नाज बचाने के लिए नहीं आएगी, जरा अपने इर्द गिर्द तो देखो, लड़के कोई दिखाई देता है क्या? अगर तुम्हें यहां मार दूं तो क्या होगा? किसी को भी पता नहीं चलेगा इसका। कोई डर नहीं मुझे तुम्हारा। तुम इतने बेवकूफ तो नहीं हो, अकलमंद दिखाई देते हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर मैं शावेज से कहता तो यकीन ना करता। चलो बताओ अब शावेज को कि कौन है मेरा दुश्मन। मैं लाहौल वाला कुव्वत, क्या इतना ही कमजोर हूं मैं? असल दुश्मन बताओ, जो कि मेरा बड़ा दुश्मन है, जिसने तुम्हें बताया कि मैंने तुम्हारे बाप कमाल को मारा है। सुजैन साहिका, ये सवाल क्यों कर रहे हो मुझसे? तुम अभी कमसिन और बहुत भोले हो नौजवान, उस औरत ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। एक मिनट, सुजैन साहिका, ये डैरन की अम्मी की बात हो रही है। मगर वो ऐसा क्यों करेंगी बाबा? बात अगर मेरी हो तो वो औरत हर हद से गुजर सकती है। अगर उसे मुझे बर्बाद करने का मौका मिले तो वो मेरे सारे दुश्मनों को अपने साथ मिलाकर मेरे पीछे पड़ जाएगी। आपने ऐसा क्या किया था उनके साथ? ये तो मैं भी जानना चाहता था। हरगिज नहीं बताऊंगा, ये तो तुम्हें उस वक्त मालूम होगा जब तुम मुझसे मिलने आओगे। इस बहाने कम से कम तुम अपने बाप से मिलने तो आओगे, जो इस कैबिन में अकेला बैठा अपने बेटे और बेटी के लिए परेशान हो रहा है। मेरे पास सबके लिए वक्त नहीं है, आपका जो दिल चाहे आप कीजिए। अभी से कहां चल दिए, तुम बहुत वक्त गुजारोगे। अगर नौरीन, नाज और फिरोज की हिफाजत करना चाहते हो तो, और क्या नाम था उस लड़की का, मरियम अक्चा, उसकी हिफाजत करनी है तो बैठोगे मेरे पास और मेरी बात भी गौर से सुनोगे। अपनी हालत देखो, सुधारो खुद को। तुम ऐसे इंसान के पीछे खुद को बर्बाद कर रही हो जो तुम्हारी तरफ देखता ही नहीं है। कत्ल करने वाली थी तुम। वो चाहता है मुझे, अगर कोई लड़की हमारे बीच में ना आती तो हम साथ। बस कर दो। सुनो, तुम्हारे पास आखिर किस चीज की कमी थी? लेकिन क्या किया उस लड़के ने? तुम्हें शादी के जोड़े में छोड़कर चला गया। वो अपनी जिंदगी उस दो टके की लड़की के साथ गुजारना चाहता है, तुम्हारे साथ नहीं। लेकिन तुम्हें तो ये नजर ही नहीं आ रहा ना, नहीं करता वो तुमसे प्यार। समझ लो इस बात को, बेवकूफ बनना छोड़ दो डैरिन। शावेज ने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, और ना ही कभी वो प्यार करेगा तुमसे। मैं तुम्हें झूठी उम्मीद पे अपनी जिंदगी तबाह नहीं करने दूंगी। मैं उससे प्यार करती हूं, आपको तो ये समझना चाहिए। ऐसे जैसे आपने बाबा से प्यार किया, उनसे अलग होने के बाद आपने उनको एक बार भी मुड़ के नहीं देखा, अपनी बेटी को भी अकेला छोड़ दिया। और आपने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि आप खुद को तकलीफ देकर बाबा का सामना नहीं करना चाहती थी। आप तो मुझे भी नहीं देखती थी क्योंकि आपको वो याद आते थे। यहां तक कि आपने एक और बेटी को अडॉप्ट भी कर लिया। आपने हर तरह से उनसे इंतकाम लेके उन्हें सबक सिखाया। क्या अब भी आप कहेंगे कि उनसे प्यार नहीं करती आप? वो प्यार बिल्कुल भी नहीं था, आदत थी। मानती हूं कि सब कुछ छोड़ने से तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें ऐसा करना ही होगा, तभी तुम जाके मेरी बेटी कहलाओगी। मतलब कि शावेज को उस लड़की के साथ देखकर। वो आप थी, वो आप ही है ना जिसने मरियम को जेल से बचाया? ये सब कैसे किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ मैं ही हूं जो उसे जेल भिजवा सकती हूँ। मरियम को जेल भेजना चाहती हैं, उसके खिलाफ सारे सबूत हैं हमारे पास। तो फिर किस बात की देर है, जरूर जाएगी वो जेल। नहीं, वो बाहर ही रहेगी, इसकी हालत देख रही हो ना तुम। आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? वो इसलिए कि तुमने शादी के कपड़े अब तक नहीं फेंके। मानती हूँ कि मैं सही से तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकी और ना ही तुम्हारे बाबा अच्छे थे, इसलिए तुम इतनी बुजदिल और कमजोर हो गई हो। लेकिन हम फिर से कोशिश करेंगे नए सिरे से। क्या करेंगे आप?
बच्चों की तरह घर में कैद करना चाहती है मुझे। तुम बच्ची ही हो, एक ऐसी बच्ची जिसको किसी और बच्चे का खिलौना चाहिए। मैं तो एक अच्छी माँ नहीं बन सकी ना, ठीक है, लेकिन अब बनूंगी, शुरुआत अब करूंगी, और तुम्हें अब वो सब बर्दाश्त करना होगा जो हम सबके साथ करेंगे, और तुम्हारे लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगी इंतकाम लेना। कहाँ चली गई थी तुम? मैं परेशान हो रही थी। क्या हुआ है तुम्हें मरियम? तुम फिर से उदास नजर आ रही हो, जरूर कुछ हुआ है ना? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या बताऊं और क्या नहीं बताऊं। ओह या अल्लाह, तू अपना गरम ही कर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको, मैं भी आ रही हूँ। क्या हुआ, क्यों रुक गए तुम? वो यहां हम सबको खत्म करने आई है, और वो ऐसा कर भी सकती है। मैं जानता हूं उन्हें, हमें भी यही लगा था। सुजैन अपने इंतकाम के लिए जी रही है। क्या कह रहे हो तुम? तुमने उसकी बेटी से शादी से इनकार कर दिया था, तुम्हारा भी वक्त आएगा। अगर उनको मसला होता तो वो मुझसे बात कर सकती थी बाबा। वो अलग है, वो बात नहीं करती। सुजैन सिर्फ एक्शन लेती है, और वो सबसे बेहतरीन करती है। मुझे तो नफरत है उससे। अगर वो मुझे मारना चाहती तो कब का मार चुकी होती। सुजैन मारती नहीं है, जिंदा रखती है और वो जीने देती है, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही जालिम औरत है। वो तुम्हें जीने देगी, वो जीने देगी ताकि तुम अपने प्यारों को मरते हुए देखो, और आपको उस हाल में जिसमें आपकी बहुत बुरी हालत होती है वो देखकर बहुत खुश होती है। बताओ इन्हें तुम बेटा, कि इसकी लड़की कितनी हराफा है। एक लफ्ज और नहीं कह, कसम खाती हूँ मैं अपनी बेटी की, कि अगर इसने गलती की है तो मैं इसे सजा दूंगी और भूल जाऊंगी कि ये मेरी बेटी है। क्या है ये, मैं समझ नहीं पाई।
चाहती हूं कि पहले ये जहर तुम चखो। वो लड़की मरने के ही लायक है। तुमने मरियम को मारने की कोशिश की ना, तब तो तुम्हें भी मरना चाहिए। सही कहा ना? तुम उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्या लगती हो तुम उसकी? कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूं। वैसे तुम हो कौन? डिपेंड करता है, सबके लिए अलग हूं मैं। मसलन मरियम के लिए मैं फरिश्ता हूं जो उसकी जान बचाती है, और तुम्हारे लिए तुम्हारी मौत का पैगाम हूं मैं। उस लड़की से दूर रहोगी तुम। अगर तुमने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये तुम्हारे मुंह पर नहीं हलक में डाल दूंगी, समझ लो ये बात। वो तुम्हारे प्यारों को जीने देती है ताकि तुम्हें डर रहे कि वो किसी भी वक्त खो सकते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा तुम्हारे दुश्मन को जीने देती है, जीने देती है ताकि तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा सके और तुम डर के मारे जागते रहो।
डॉक्टर डॉक्टर यहाँ आइए, पेशेंट को कुछ हो रहा है। इसे जरा आकर देखें, लगता है इसकी सांस रुक रही है, पता नहीं क्या हो रहा है इसे। ठीक है नर्स, पहले इन्हें सुकून का इंजेक्शन दे दो। ठीक है परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। सर प्लीज आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। रुक जाओ, इंजेक्शन नहीं लगाना इसे अब, ये पहले ही बॉस हो चुका है, अब इसको खुद को संभालना होगा। आप जा सकते हैं डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, तुम्हें नई जिंदगी मुबारक कहूँ ना। तुम्हें दोबारा जिंदगी मिली है और ये नई जिंदगी मैंने तुम्हें दी है। तुम मतलब मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई, तुम्हारी माँ अब दूसरी है, तो अब तुम भी पहले जैसे रूहान नहीं रहे। क्यों? पहली चीज, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आज से तुम्हारे साथ वो सब होगा जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते। उस औरत के पास जाना भी मत, जिंदा खा जाएगी तुम्हें। इंसान तक को खा जाती है वो। मुझे मरियम का शुक्रिया अदा करना है, मेरी तरफ से तुम कर देना। अगर तुम्हारी शादी डैरिन से हो जाती तो हमारे पास कोई मौका ही नहीं बचता। अब कम से कम हमारे पास एक मौका है, लेकिन इस बार तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। नहीं, मैं उससे मिलने जाऊंगा। मैंने मना किया है ना तुम्हें? उसके पास जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। किसके बेटे हो तुम आखिर? हाँ, मेरी जान हो तुम। अगर तुम समंदर में कूदोगे तो क्या बिना भीगे बाहर आ सकते हो? वो औरत तुम्हारे आसपास होगी और तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा इसका। वो ऐसी औरत है कि वो तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी। मेरे आसपास एक भी ऐसा इंसान नहीं जिस पर यकीन कर सको। मेरे साथ भी ऐसा ही। मुझे यकीन है। तुम्हें यकीन है? खुश आमदीद, तुम्हारी जाने वाली आ गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। पहला पार्सल मैं खुद लेने आना चाहती थी, मुझे लगा कोई बूढ़ी सी आंटी यहाँ पर काम कर रही होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतनी खूबसूरत शेफ हो। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। कुछ खाना पसंद करेंगी आप? जरूर, साथ काम करने वालों को जानना चाहूंगी। ये आपका ऑर्डर है, उम्मीद है पेस्ट्रीज आपके गेस्ट को पसंद आएंगी। जरूर पसंद आएंगी, क्यों नहीं। माफ कीजिएगा, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है मुझे। अरे कोई बात नहीं। शावेस, तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। मुझे सच में ज्यादा अच्छा महसूस होता अगर तुम यहाँ मेरे पास होती मरियम। अगर अभी ऐसा हो जाए तो मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होगा। यहाँ आ जाओ प्लीज, कल रात मैं सो भी नहीं पाई तुम्हारी वजह से। जल्दी आ जाओ, मैं नाश्ता बना देती हूँ, फिर साथ में ही करेंगे। मुझे कुछ जरूरी काम है मरियम, मुझे अभी वहां जाना होगा। I miss you so much. ऐसे कहोगी तो रहा नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं कहती। नहीं नहीं, अब तो कह दिया। अच्छा फिर, सच में कहीं जा भी नहीं पाऊंगा तुम्हें देखे बगैर। अभी आ रहा हूं तुम्हारे पास।
सो सॉरी आपको वेट करना पड़ा। एक इतनी खूबसूरत और होनहार लड़की अकेले भी तो नहीं रह सकती ना। मैंने बहुत बुरे बुरे ख्वाब देखे। क्या मैं जमीन के अंदर हूं? क्योंकि तुम ऑलमोस्ट मर चुके थे। कैसे? मुझे अस्पताल से कैसे निकलवाया उन्हें? ये सब मॉम ने नहीं बल्कि मैंने किया है, इसलिए मेरा शुक्रिया अदा करो। हम हेलीकॉप्टर से सिर्फ 15 मिनट दूर हैं। इसे किसी भी तरह वहाँ जिंदा पहुँचा। मेरा मिस्टर हेंडरसन से रब्ता नहीं हुआ। आप श्योर हैं कि उन्हें मालूम है? तुमसे जो कहा है वो कर, जाओ जल्दी। ये ठीक नहीं है, पेशेंट की हालत बहुत ही नाजुक है। ऐसा नहीं कर सकते आप। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, तुम फिक्र न करो। कैसी जिम्मेदारी? वैसे भी ये कोमा में, हम इन्हें नहीं ले जाने देंगे आपको। हॉस्पिटल के अमेरिकन पार्टनर्स को फोन करके पूछे, रोहान हमारे साथ ही जाएगा। इसे एयर एम्बुलेंस तक पहुंचाना होगा। इनकी हालत बहुत नाजुक है, शायद ही बच पाई है। इसके जेल जाने से बेहतर यही है कि ये मर जाए। आप लोग जल्दी करें। दूसरी एम्बुलेंस वो खाली होगी, पता लगा लेंगे वो। तुम्हें लगता है तुम्हारे अलावा सब बेवकूफ है, है ना? उस एम्बुलेंस में एक डेड बॉडी पहले से मौजूद थी, ऐसा नहीं कि वो खाली थी। और डीएनए का क्या? तुम बेफिक्र रहो, उस पर भी काम हो रहा है। मतलब मैं मर चुका हूं। ये आप दोनों के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? मतलब कि हमारे ऑर्डर्स भी हैं और आपकी शॉप भी। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, हम एक बंदा हायर कर रहे हैं जो डिलीवरी के काम संभाल लेगा। हमें अंदाजा है, हम आपको आइंदा तकलीफ नहीं देंगे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की कोई बात नहीं। किसी और ने ले लिया। ये खुशबू मुझे बहुत पसंद है। और मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है। तुम जिससे प्यार करती थी उसे किसी और से प्यार हो गया। वो प्यारी सी लड़की एक कातिल बन सकती है उसके लिए जिसे वो चाहती। गाड़ी पीछे की तरफ है भाई, ताकि कोई देख ना सके। क्या किया तुमने फिरोज के साथ? बताओ। आज की किस्त देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट और शेयर करना न भूलें। कैमरे के पीछे की कहानी, ड्रामा बनाते वक्त क्या क्या हुआ, सब कुछ हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे दस्तियाब है। तो अभी हमारे ऑफिशियल पेज को लाइक करना न भूलें।